सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड पार्ट है जिसमें हम देख रहे थे कि लॉगिन फॉर्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसका टेम्पलेट एडिट किया था हमने लास्ट टाइम पे, और फिर हम इस वीडियो में देखेंगे अब कि इसको हम कैसे PHP का कोड लिख के कैसे इसको वैलिडेट करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं कि ये एंट्रीज जो फिल की गई है ये MPT हैं या करेक्ट है या रॉन्ग है, इनको हम मतलब उसको बोलते हैं हम वैलिडिएशन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस लॉगिन फॉर्म को जो हमने लास्ट टाइम पे टेम्पलेट डाउनलोड करके एडिट किया था, तो इसको अब हम देखेंगे कैसे हम इसमें वैलिडिएशन के लिए लास्ट टाइम पे जो हम फाइल क्रिएट की थी लास्ट टाइम पे हमने ये, तो इसमें अब हम कैसे PHP का कोड हम लिखेंगे, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो इसकी अपलोड कर दी है जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप टेम्पलेट को इजीली डाउनलोड करके कैसे उसको बेसिक एडिट करके हम उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मेन मोटिव है वो है वैलिडिएशन को देखना कि PHP में कैसे वैलिडिएशन करते हैं, इसलिए हमने फॉर्म का टेम्पलेट डाउनलोड किया है, हमने खुद से नहीं बनाया है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बेसिक एडिट टेम्पलेट में हमने इसको एडिट किया था, तो मैंने जैम सर्वर ऑन किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको पता होगा कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म यहाँ पर सर्वर के थ्रू, लोकल सर्वर के द्वारा यहाँ पर ये एक्सेस कर रहे हैं हम इसको इजीली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, पहले तो आप इसको देखते हैं हम जो रिक्वायर्ड है वो क्या है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि जो ये हम जो ये फील्ड हैं इनको हम अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड सेट किया है तो इनको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो जैसे ही मैं इनको अगर ब्लैंक रखता हूँ मैं इसको और मैं डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमें मैसेज शो कर रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये यहाँ पर भी बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। तो ये एक कह सकते हैं कि ऑलरेडी बनाई बनाई जो PHP में है, जो हमें पहले से फैसिलिटीज है, इसको हम यूज कर सकते हैं। बट हम देखना चाहते हैं कि PHP के कोड के द्वारा हम वैलिडिएशन कैसे कर सकते हैं, तो हम फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अब हम रिमूव कर देंगे तो वो हमें जो MPT मैसेज है वो यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम खुद से PHP का कोड लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो वैलिडिएशन है इसको PHP में करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म में जो एक्शन दिया था, जो हम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि इस फाइल को हम क्रिएट करेंगे और इसमें हम PHP का कोड लिखेंगे। जो एक्शन है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या एक्शन लेता है लेना है हमें, वो कोड हम इस PHP फाइल में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे इस फाइल को आपको वहीं पे क्रिएट करना है जहाँ पर आपको आपकी जो इंडेक्स फाइल ऑलरेडी रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल पहले से क्रिएट कर ली है तो मैं आपको दोबारा नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फाइल मैंने PHP फाइल है, PHP लॉगिन, सेम उसी नाम से जो हमने यहाँ पर एक्शन में दिया था उसी नाम से ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल हमें कहाँ मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। ये फाइल हमें सी फोल्डर में, जैम्प में और HTDocs में, जो ये लॉगिन फॉर्म है जहाँ से हम इनको एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पर ये फाइल हमें मिलेगी। अब मैं नोटपैड के साथ इसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब भी ये फाइल ब्लैंक है, ठीक है। ध्यान रहे कि इस फाइल का नाम सेम ये होना चाहिए जो आपने यहाँ पर एक्शन में दिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि PHP का कोड लिखने के मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ इसमें, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये
सिंटैक्स होता है पीएचपी का, कोई भी कोड लिखते हैं तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कंडीशन लिखूंगा। बेसिकली हम वैलिडेशन कर रहे हैं तो इसमें इफ एल्स का यूज होगा, कंडीशन कि अगर ये एमपीटी है ये फील्ड तो ये करना है, अगर ये एमपीटी है तो ये करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस फाइल में दिखाता हूँ जो ये लॉगिन बटन है, ठीक है, आप इसमें कुछ भी एंट्रीज फिल कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप, अभी तक कुछ नहीं होगा, जो भी एक्शन लेना है वो लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ही लेना है ना। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि लॉगिन बटन पे किसी ने क्लिक किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना है इफ कंडीशन लगा के कि हमने किसी यूजर ने लॉगिन पे क्लिक किया है या नहीं, अगर किया होगा तभी तो हम आगे एक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि लॉगिन पे क्लिक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन देनी होगी इफ इज सेट, ठीक है, पीएचपी में एक फंक्शन है इज सेट, ठीक है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि इसमें हम जो भी कुछ देंगे, इस पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू देंगे हम, उसको ये चेक करेगा कि ये सेट है या नहीं। सेट का मतलब जैसे अगर वो कोई फील्ड है, ठीक है, कोई इनपुट बॉक्स है तो वो एमपीटी नहीं है, इसका मतलब वो सेट है, और अनसेट है इसका मतलब वो एमपीटी है। कोई बटन है तो अगर बटन सेट कब होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो उसको इस सेट बोलते हैं। अगर ये इस सेट में अगर हम इस बटन का वो देंगे कंडीशन बटन के लिए, तो वो चेक करेगा इस सेट का मतलब कि बटन पे क्लिक हुआ है तब तो ये इस सेट ट्रू रिटर्न करेगा, और बटन पे क्लिक नहीं हुआ है तो ये इस सेट है जो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ऐसे ही सेम अगर एमपीटी बॉक्स के लिए हम यहाँ पर कंडीशन देंगे तो इस सेट का मतलब वो चेक करेगा कि अगर वो एमपीटी है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और वो फिल किया हुआ है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पर हमें बटन की कंडीशन देनी है, ठीक है, तो बटन को हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि किसी भी फाइल को किसी भी जैसे इनपुट बॉक्स है इनको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर नाम दिया था, नेम, ईमेल, और ऐसे ही पासवर्ड के लिए पासवर्ड दिया था। मैंने बताया था कि हम पोस्ट के द्वारा इनको एक्सेस करेंगे, तो इसी तरीके से हम बटन को भी एक्सेस कर सकते हैं। बटन की भी हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें ये बटन है यहाँ पर, इसके लिए भी हमें नाम देना होगा। तो बटन के लिए भी एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसका नाम है सिंपल वही नेम। तो यहाँ पर आप नेम कुछ भी दे सकते हैं जिसके द्वारा हम बटन को एक्सेस करेंगे वहाँ पर। तो मैं सिंपल BTN दे देता हूँ बटन, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब इस नेम के द्वारा हम इस बटन को यहाँ पर एक्सेस करेंगे, ठीक है, इस फाइल में। तो एक्सेस करने का मतलब यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा बटन के लिए। आपको पता है कैसे एक्सेस करते हैं पोस्ट में, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आपको नहीं पता कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे ये पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट क्या होता है, कैसे हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, मैंने PHP का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। वहां पर आप मेरी प्ले चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में जाके PHP ट्यूटोरियल्स में जाके वहां पर आप उनको देख सकते हैं, और उनके आई थिंक एंड में मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं जो जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे इन वेरिएबल को, गेट पोस्ट क्या होते हैं, इनके द्वारा हम कैसे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पर आप पहले इनको देखें, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं मैं यहां पर इन बेसिक को नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अब इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको वैलिडेशन बताना कि कैसे वैलिडेशन हम PHP में करते हैं। तो हम बटन को एक्सेस करेंगे उस नेम के द्वारा। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डबल कोड्स, सिंगल कोड्स में डबल कोड्स भी यूज कर सकते हैं, आपको सिंपल यहाँ पर उस बटन का नाम देना है जो हमें यहाँ पर दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये नेम हमने बटन के लिए BTN दिया था, तो हम सेम नेम यहाँ पर BTN रखेंगे, और ये पोस्ट मेथड होता है, इसमें जो भी हम वेरिएबल पास करेंगे उसको यहाँ पर ये एक्सेस कर लेगा, ठीक है। ये हम इस सेट में लिख रहे हैं, जो इस सेट एक फंक्शन है। अब इस सेट के अंदर हमने इस बटन की जो बटन को एक्सेस किया है, तो अब ये क्या चेक करेगा, अगर ये कंप्लीट इफ क्या चेक करेगा, इसका मतलब है कि अगर बटन पे क्लिक हुआ है तब तो ये इस सेट है जो ये वाला ट्रू रिटर्न करेगा, अगर क्लिक हुआ है तो, और ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ में ट्रू आएगा, इसका मतलब इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद हमें कुछ आगे जो कोड है यहाँ पर हमें वो लिखना है, और अगर फॉल्स हो जाएगा, मतलब किसी ने बटन पे क्लिक ही नहीं किया, ये सेट नहीं है, अनसेट है, तो
तो फिर हम यहाँ पर एल्स की कंडीशन कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ चेक कराने के पर्पज से यहाँ पर देख बता देता हूँ आपको, अगर ये सेट है, नहीं सॉरी बटन सेट है, बटन पे क्लिक हुआ है तो ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा मैं आपको बता देता हूँ सिंपल इको करके। इको एक फंक्शन है जो मैसेज प्रिंट करता है, तो इको करके मैं यहाँ पर सिंपल आपको बता देता हूँ बटन क्लिक, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ, हमने यही तो चेक कर रहे हैं कि बटन पे क्लिक किया हुआ है या नहीं किया, बटन सेट है या नहीं। अगर बटन सेट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर ये सही है तो। तो अभी मैं इसको आपको चेक करके बता देता हूँ। मैं रिफ्रेश किया और मैं इनको तो अभी फिल करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इनका अभी कोड लिखा नहीं है। अब ये चेक करना है कि बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं। अगर इसको क्लिक करूँगा तो बटन पे क्लिक होगा और वो जो फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर अभी बताया था, ये सेट है, मतलब इस सेट है जो क्लिक हुआ है तो ट्रू रिटर्न करेगा और ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन क्लिक आ चुका है, इसका मतलब ये फंक्शन है जो वर्क कर रहा है। ये कैसे हुआ, वही इस सेट है जिसने इसको चेक किया कि बटन पे क्लिक हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न किया और ट्रू रिटर्न किया तो इफ वाली कंडीशन यहाँ पर रन हो गई, ठीक है। तो अब ये वर्क कर रहा है, तो अब हमें आगे का जो स्टेप है वो लेने हैं। आगे के स्टेप क्या कि बटन क्लिक होगा तभी हम इनको चेक करेंगे ना, तभी सेंस होता है इनको चेक करने का कि ये फिल किए हैं या एमपीटी हैं। अगर बटन पे लॉग क्लिक नहीं किया उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इनके लिए कोड लिखेंगे कि ये जो फील्ड्स हैं, जो ईमेल और पासवर्ड हैं, ये एमपीटी हैं या नहीं हैं, या एमपीटी हैं तो हम मैसेज शो करवा देंगे प्लीज फिल दिस ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो उनके लिए हम यहाँ पर कोड हम लिखने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये बटन पे क्लिक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई एक्शन ही नहीं होगा। एक्शन होगा तो बटन पे क्लिक करने के बाद ही होगा ना, तो यहाँ पर इफ का तो आई थिंक कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि ये बटन पे कुछ क्लिक होगा तभी तो कोई एक्शन लेंगे। अगर बटन पे यहाँ पर हमने कुछ क्लिक नहीं किया तो इसका कोई सेंस नहीं है, ये फॉर्म सिंपल खुला रहेगा, आप एंट्रीज यहाँ पर फिल करके यहाँ पर चाहें बैठे रहें, इस पे लॉगिन पे क्लिक ही नहीं होगा तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो आई थिंक एल्स का तो कोई मतलब है नहीं वहाँ पर। तो हम अब यहाँ पर उसके लिए कोड लिखेंगे जो ईमेल और पासवर्ड हैं उनके लिए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। मैं जो लास्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है इस लॉगिन फॉर्म ट्यूटोरियल का, वो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, जल्दी आपको मिल जाएगा। तो वो लास्ट पार्ट होगा और उसमें मैं आपको ये वैलिडेशन कंप्लीट करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।